यस चिल्ड्रन, अब हम लेसन नंबर 3 शेयरिंग इज केयरिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों ये हमारा लेसन नंबर 3 है, तो हम 2 नंबर को काट के सभी बच्चे लेसन नंबर 3 लिखेंगे। वार्म अप। व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज ऑब्लिक हर कलर पेंसिल्स, टेल द क्लास अबाउट इट। बच्चों अगर आपका फ्रेंड घर पर अपनी कलर पेंसिल भूल आता है तो आप क्या करोगे, इसके बारे में क्लास को बताओ। हमारा लेसन का नेम क्या है, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, ये लेसन है ना हमारा। तो हम उससे क्या करेंगे, अपनी कलर पेंसिल को अपनी कलर पेंसिल के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हिज ऑब्लिक हर इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपका फ्रेंड मेल है तो आप क्या लिखोगे, हिज, अगर फीमेल है तो क्या लिखोगे, हर। चलो आगे लेसन रीड करते हैं। रीडिंग। टेक टर्न्स विद योर एल्बो पार्टनर टू रीड अ स्टोरी अबाउट आन्या हु लर्न्स टू शेयर। बच्चे बारी बारी से इस लेसन को पढ़ेंगे, पहले एक बच्चा पढ़ेगा फिर दूसरा बच्चा पढ़ेगा। ये हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जो किसके बारे में है, एक लड़की के बारे में है जिसका नेम है आन्या, जो सीखती है शेयरिंग के बारे में। डिंग 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 डिंग, इट वॉज ब्रेक टाइम, ये रिसेस का टाइम है था। All the boys and girls rushed out to play. सभी लड़के और लड़कियाँ खेलने के लिए बाहर आ गए। आन्या sat by herself. आन्या अकेली ही बैठी थी। She played with her new doll. वो अपनी नई डॉल के साथ खेल रही थी। May I play with your doll? Pia asked. पिया ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारी डॉल के साथ खेल सकती हूँ। No, you cannot. नहीं तुम नहीं सकती। Go away, said आन्या. नहीं तुम नहीं सकती, यहाँ से चली जाओ, आन्या ने कहा। But sharing things it is good, said Pia as she walked away. लेकिन शेयर करना तो अच्छी बात होती है, पिया ने कहा, और यह कहते हुए वो वहाँ से चली गई। I don't care, shouted आन्या. मुझे इसकी परवाह नहीं, आन्या चिल्लाई। It was Rahul's birthday on the next day. अगले दिन राहुल का बर्थडे था। There was a big cake for all. वहाँ सभी के लिए एक बड़ा केक था। Everyone got a piece from the cake. सभी को उस केक का एक टुकड़ा मिला। Just as Anya was about to take a bite of the cake, it fell on the floor. जैसे ही आन्या ने उस केक की बाइट लेनी चाही, केक का टुकड़ा फर्श पर गिर गया। Oh no, she cried. ओ नहीं, वो चिल्लाई। देयर वॉज नो केक लेफ्ट, वहाँ पर और केक नहीं बचा था। बच्चों सभी को केक बांट दिया गया था, इसलिए केक ख़त्म हो गया था, इसलिए केक और नहीं बचा था। पिया सॉ दिस एंड वेंट टू आन्या। पिया ये सब कुछ देख रही थी, वो आन्या के पास गई। शी गेव आन्या हाफ ऑफ हर पीस ऑफ केक। उसने आन्या को अपने पीस में से आधा पीस उसने आन्या को दे दिया। वाई डू यू वॉन्ट टू गिव मी योर केक्स, आस्क्ड आन्या। आन्या ने पूछा कि तुम मुझे अपना केक का टुकड़ा क्यों दे रही हो। बिकॉज इट इज गुड टू शेयर थिंग, सेड पिया। पिया ने कहा क्योंकि चीज़ों को बांटना अच्छी बात होती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई वॉज रूड टू यू यस्टरडे, मैं कल तुम्हारे साथ रूड हो गई थी, सेड आन्या। आन्या ने कहा टेकिंग द केक, केक लेते हुए आन्या ने कहा कि कल मैं तुम्हारे साथ रूड हो गई थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नाउ यू नो दैट शेयरिंग इज केयरिंग, पिया आस्क्ड। क्या तुम जान गई हो कि शेयरिंग ही केयरिंग है, पिया ने कहा, कि चीज़ों को बांटना है, किसी की परवाह करना है, पिया ने कहा। यस बच्चों, अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। एक्सरसाइज ए, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर दीज सेंटेंसेज। हमें इस सेंटेंसेज में अगर लाइन ट्रू है तो T लिखना है, अगर फॉल्स है तो F लिखना है। नंबर वन, आन्या प्लेड विद एवरीवन। जो आन्या थी वो सभी के साथ खेलती थी बच्चों? नहीं, वो सभी के साथ नहीं खेलती थी, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये लाइन फॉल्स है। सेकेंड, पिया वॉन्टेड टू प्ले विद आन्या। जो पिया थी वो आन्या के साथ खेलना चाहती थी, ट्रू, ये सेंटेंस ट्रू है। नंबर थ्री, आन्या वॉज रूड टू पिया एज फर्स्ट एट फर्स्ट। जो आन्या थी वो पिया के साथ पहले रूड हो गई थी,
True. Fourth sentence. Rahul did not give any cake to Anya. Rahul ने Anya को केक नहीं दिया था. उसने दिया था. ये लाइन फॉल्स है. फॉल्स. फाइव. पिया शेयर्ड हर पीस ऑफ केक विद आन्या. पिया ने अपना केक का टुकड़ा आन्या के साथ शेयर किया था. ट्रू. ये सेंटेंस ट्रू है. सिक्स. आन्या सेड सॉरी टू पिया बिफोर टेकिंग द केक. आन्या ने पिया को सॉरी बोला केक लेते हुए. ट्रू. ये सेंटेंस ट्रू है. यस चिल्ड्रन, आंसर दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज बी. ये हम बाद में करेंगे. वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स. ये क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. क्वेश्चन ए है जैसे, व्हाट डिड आन्या लर्न फ्रॉम पिया. आन्या पिया से क्या सीखा. डिस्कस इन इट इन क्लास. इसको क्लास में डिस्कस करना है हमने बच्चों. आप बताओ कि आन्या ने पिया से क्या सीखा. क्या सीखा था. शेयरिंग सीखी थी. आंसर है इसका, आन्या लर्न्ड फ्रॉम पिया टू शेयर हर थिंग्स विद अदर्स. आन्या ने पिया से सीखा कि अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करें. है ना, यही सीखा था ना. आन्या लर्न्ड फ्रॉम पिया टू शेयर हर थिंग्स विद अदर्स. बी क्वेश्चन है, डू यू हैव अ फ्रेंड हु हैज टॉट यू टू शेयर. आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसने आपको शेयरिंग के बारे में कुछ सिखाया हो, बताया हो. टॉक टू योर पार्टनर अबाउट हिम हर. अपने पार्टनर से उसके बारे में बात करो. अच्छा बच्चों, आप बताओ कि आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जिसने आपको शेयरिंग के बारे में कुछ बताया हो. मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताती हूँ जिसको शेयरिंग करनी अच्छा नहीं लगता था. वो किसी के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करती थी. फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसको शेयरिंग करना अच्छा लगने लग गया. है ना, तो आपको एक बात बताती हूँ कि एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था रिया. रिया नेवर यूज टू शेयर हर टॉयज विथ एनीवन. रिया थी जो लड़की, वो किसी के साथ भी अपने टॉय शेयर नहीं करती थी. वन डे शी वेंट हर फ्रेंड. एक दिन वो अपनी फ्रेंड के घर गई जिसका नेम था रेनू. वन डे शी वेंट टू रेनूज हाउस. एक दिन वो रेनू के घर गई. शी इज हर फ्रेंड, वो उसकी फ्रेंड थी. रेनू केम रनिंग, रेनू भाग कर आई. शी टूक रिया, वो ले गई रिया को. इन शोड हर टॉयज, और अपने खिलौने दिखाए. शी आस्क्ड रिया, उसने रिया को कहा टू टेक वट एवर शी लाइक. वो कोई भी ऐसा खिलौना ले सकती है जो उसको पसंद हो. रिया प्लेड हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम. रिया उनके साथ काफी समय तक खेलती रही. दैट डे, उस दिन रिया लर्न्ड, रिया ने सीखा टू शेयर हर थिंग्स विद एवरीवन. अपनी चीजें हर दूसरे के साथ शेयर करना, कि किसी दूसरे के साथ अपनी चीजों को कैसे शेयर करते हैं. ठीक है बच्चों. यस चिल्ड्रन, अब हम वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे. आन्या एंड पिया आर बोथ गर्ल्स. आन्या और पिया दोनों लड़कियां हैं. राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है. द वर्ड्स मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर एंड आंट आर सम नेमिंग वर्ड्स फॉर फीमेल. बच्चों देखो, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, आंट, ये सभी फीमेल्स लड़कियों के नेम है ना. फीमेल्स मीन्स लड़कियों के नेम है. ये सभी फीमेल्स के नेम है, फीमेल्स को बोला जाता है ये. फादर, ग्रैंड फादर, ब्रदर एंड अंकल आर सम नेमिंग वर्ड्स फॉर मेल्स. ये सभी मेल्स के नेम है, मेल्स को बोला जाता है फादर, ग्रैंड फादर, मदर, अंकल. है ना, राइट. एम फॉर द नेमिंग वर्ड्स फॉर मेल्स. हमें बच्चों मेल्स के आगे क्या लिखना है, एम लिखना है. एंड एफ फॉर द नेमिंग वर्ड्स फॉर फीमेल. हमें फीमेल्स के नेमिंग वर्ड के आगे एफ लिखना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है. नंबर वन है मैन. मैन मीन्स आदमी, है ना, ये एक मेल है तो एम लिखा हुआ है. नंबर टू डॉटर. डॉटर मीन्स क्या होती है, बेटी. बेटी फीमेल है तो एफ. नंबर थ्री सन. सन मीन्स बेटा. बेटा क्या होता है, मेल, तो एम. नंबर फोर वाइफ. वाइफ मीन्स क्या होती है, पत्नी. पत्नी क्या होती है, फीमेल, तो एफ.
नंबर फाइव सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन, बहन क्या होती है फीमेल, तो एफ। नंबर सिक्स क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी क्या होती है फीमेल, तो एफ। नंबर सेवन पुलिसमैन, पुलिसमैन क्या होता है मेल, तो एम। नंबर एट प्रिंस, प्रिंस मीन्स राजकुमार, राजकुमार क्या होता है मेल, तो एम। नंबर नाइन ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, दादी माँ क्या होती है फीमेल, तो इसके लिए एफ। नंबर टेन पुलिस वुमेन, पुलिस वुमेन मीन्स पुलिस वाली औरत, वो क्या होती है फीमेल, तो एफ। यस चिल्ड्रन, अभी हमने मेल और फीमेल के बारे में पढ़ा। इसी तरह से एनिमल्स में भी मेल और फीमेल्स होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट नेम्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। एनिमल्स में भी मेल्स और फीमेल के अलग अलग नेम होते हैं, जैसे बी एंड ड्रोन। नीचे लिखा हुआ है बी क्या होती है फीमेल होती है, ड्रोन क्या होता है मेल होता है। बी मीन्स मधुमक्खी, ड्रोन मीन्स नर मधुमक्खी। इसी तरह मेयर एंड सेटेलियन, मेयर मीन्स फीमेल, घोड़ा, घोड़े को बोलते हैं बेटा, फीमेल होती है घोड़ी, है ना। मेयर मीन्स घोड़ी, सेटेलियन मीन्स घोड़ा, ठीक है। एक्सरसाइज बी, मैच द एनिमल्स वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों हमें एनिमल्स को उसके फीमेल के साथ मैच करना है। एक हमें करके दिखाया गया है, जैसे लायन, नंबर वन पे है लायन, लायन का लायनेस, लायन को मैच किया गया है लायनेस के साथ। लायन मीन्स शेर, लायनेस मीन्स शेरनी। नंबर टू पे है टाइगर, टाइगर को मैच करेंगे टाइगर्स, टाइग्रेस के साथ, ठीक है। टाइगर मीन्स मेल टाइगर, टाइग्रेस फीमेल टाइगर, ठीक है। नंबर थ्री बुल, बुल को मैच करेंगे बच्चों काओ के साथ, नंबर फोर रूस्टर, रूस्टर मीन्स मुर्गा, रूस्टर को मैच करेंगे हैन के साथ। जी डबल ओ एस ई गूस, गूस को मैच करेंगे गैंडर के साथ। गूस मीन्स फीमेल बतख, गैंडर मेल बतख। नेक्स्ट है ग्रामर, लुक एट द पिक्चर्स व्हाट आर दे डूइंग। हमें पिक्चर्स देखनी है और देखना है कि क्या कर रहे हैं। नंबर वन पिक्चर क्या कर रहा है बच्चों, बॉय क्या कर रहा है, बुक को रीड कर रहा है ना। या डॉग, डॉग क्या कर रहा है, डॉग रन कर रहा है। कैट क्या कर रही है, कैट स्लीप कर रही है, सो रही है। गर्ल क्या कर रही है, स्किप स्किप कर रही है बच्चों, स्किपिंग कूदना, स्किप कर रही है। ये वाली गर्ल क्या कर रही है, ये लाफ हंस रही है। ये बॉय क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है। वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन और एन एनिमल इज डूइंग आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। बच्चों जो भी वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि पर्सन या एनिमल क्या कर रहा है, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। एक्शन वर्ड को हम और क्या कह सकते हैं, डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। डूइंग मीन्स क्या होता है, डूइंग मीन्स होता है करना, कि कोई काम करना, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज ए, राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड अंडर ईच पिक्चर, यूज द वर्ड्स गिवन। हमें बच्चों हर पिक्चर के नीचे उसका करेक्ट एक्शन वर्ड लिखना है। ये वर्ड हमें दिए गए हैं, इनमें से देख के हमें करेक्ट एक्शन वर्ड लिखना है। तो चलो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। देखो हमें वर्ड दिए गए हैं रन, लाफ, स्लीप, प्ले, कुक एंड ईट। सबसे पहले देखो बच्चों पिक्चर में ये लेडी क्या कर रही है, है ना, ये क्या कर रही है, ये खाना बना रही है। क्या कर रही है, कुक कर रही है खाना, तो हम क्या लिखेंगे, कुक, सी डबल ओ के, कुक पकाना। सेकंड पिक्चर, ये लड़का क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, सो रहा है, स्लीप, एस एल डब्ल ई पी।
नंबर थ्री, ये बॉय क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है, खेल रहा है, पी एल ए वाई। नंबर फोर, गर्ल क्या कर रही है? ईट कर रही है, खाना खा रही है, तो हम लिखेंगे ईट। नंबर फाइव, ये लड़का क्या कर रहा है? हंस रहा है, तो क्या आएगा? लाफ, एल ए यू जी एच। नंबर सिक्स, ये बॉय क्या कर रहा है? रन कर रहा है, भाग रहा है, आर यू एन, रन। एक्सरसाइज बी, रीड दीज वर्ड्स। बच्चों इन वर्ड्स को पढ़ना है। इफ अ वर्ड इज नेमिंग वर्ड, अगर वो वर्ड नेमिंग वर्ड है तो कलर द बॉक्स रेड, तो उस बॉक्स को हमें क्या करना है? रेड करना है। इफ द वर्ड इज एन एक्शन वर्ड, अगर वर्ड एक्शन वर्ड है तो कलर द बॉक्स ब्लू, तो उस बॉक्स को हमें क्या करना है? ब्लू करना है। अच्छा बच्चों ये बताओ नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड किसी भी चीज़ का नेम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी थिंग का नेम, किसी का भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, वो क्या कहलाएगा? नेमिंग वर्ड कहलाएगा। हमने एक्शन वर्ड अभी पढ़ा था कि कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड पर हमें कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है। और एक्शन वर्ड पर हमें कौन सा कलर करना है? ब्लू कलर करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले दिया गया है माउस। माउस क्या है बताओ बच्चों? माउस क्या है? एक नेमिंग वर्ड है ना, एक चूहे का, चूहे को कहते हैं ना माउस, ये माउस है ना, तो एक नेमिंग वर्ड है। इस पर हम क्या करेंगे? रेड कलर करेंगे। इस बॉक्स को रेड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है चॉप। चॉप मीन्स क्या होता है? काटना। ये क्या है? एक्शन वर्ड, इस पर हम ब्लू कलर करेंगे। इसी तरह से बोट, बोट किसको बोलते हैं? बोट किसको बोलते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? नाव को कहते हैं, है ना, तो ये नाम है एक, तो इस पर हम क्या करेंगे? रेड कलर करेंगे। ये एक नेमिंग वर्ड है। एप्पल क्या है? एक नेम है, इस पर भी हम रेड कलर करेंगे। नेमिंग वर्ड है बच्चों, क्योंकि ये है ना। राइट मीन्स लिखना, ये क्या है? एक्शन वर्ड, राइट लिखना है ना, एक नेमिंग, ये एक एक्शन वर्ड है, इसे हम ब्लू कलर करेंगे। होप, होप क्या होता है बच्चों? होप मीन्स उछलना है ना, ये भी एक एक्शन वर्ड है, इस पर भी हम ब्लू कलर करेंगे। टेबल, टेबल क्या है? नेमिंग वर्ड, इस पर हम रेड कलर करेंगे। ओपन, खोलना, ये क्या है? एक्शन वर्ड, इस पर हम ब्लू कलर करेंगे। ईट, खाना, ये भी एक्शन है, इस पर हम ब्लू कलर करेंगे। बुक, किताब, ये नेमिंग वर्ड है, इस पर हम रेड कलर करेंगे। स्लीप, सोना, ये भी एक एक्शन वर्ड है, इस पर हम ब्लू कलर करेंगे। क्लाइंब, चढ़ना, ये भी एक एक्शन वर्ड है, इस पर भी ब्लू कलर करेंगे। कब, बच्चों कब क्या होता है? कब शेर के बेबी को कहते हैं, है ना, लायन के बेबी को क्या कहते हैं? कब कहते हैं, ये एक नेमिंग वर्ड है, इस पर हम रेड कलर करेंगे। बॉक्स, ये भी एक नेमिंग वर्ड है, इस पर भी हम रेड कलर करेंगे। डांस करना, ये एक्शन वर्ड है, इस पर हम ब्लू कलर करेंगे। शेफ, ये भी एक नेमिंग वर्ड है, इस पर हम रेड कलर करेंगे। शेफ किसको बोलते हैं बच्चों? जो खाना बनाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं शेफ। कप, ये भी एक नेमिंग वर्ड है, इस पर भी हम रेड कलर करेंगे। काउंट, गिनना, किसी चीज़ को काउंट करना, ये क्या है? एक्शन वर्ड है, इस पर हम ब्लू कलर करेंगे। स्पून, ये क्या है? नेमिंग वर्ड, इस पर हम रेड कलर करेंगे। जंप, कूदना, ये क्या है? एक्शन वर्ड, इस पर हम ब्लू कलर करेंगे।
ड्राइव, ड्राइव करना क्या है, एक्शन वर्ड है, इस पे हम ब्लू कलर करेंगे। कार क्या है, एक कार एक नेमिंग वर्ड है। क्लॉक घड़ी, ये भी एक नेमिंग वर्ड है। रन भागना, ये क्या है, एक एक्शन वर्ड है, इस पे हम ब्लू कलर करेंगे। पेंसिल एक नेमिंग वर्ड है, इस पे हम रेड कलर करेंगे। ये एक्टिविटी सभी बच्चे घर पर करेंगे। यस चिल्ड्रन, अब हम करेंगे एक्शन वर्ड एडिंग विद ईडी। एक्शन वर्ड के साथ हमने क्या लगाना है, ईडी लगाना है। रीड दी सेंटेंसेस। एवरीवन लाफ्ड, बच्चों लाफ्ड क्या है, यहाँ पर ये एक्शन वर्ड है ना, लाफ क्या है, एक्शन वर्ड है, इसके साथ क्या लगाया गया है, ईडी। ईडी लगाने से क्या बन गया, ये पास्ट फॉर्म बन गई है ना, कि लाफ्ड वो हंसा था। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसा था। जैसे ये दिया हुआ सामने, मे आई प्ले विद यू, पिया आस्क्ड, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, पिया ने पूछा। तो ये बात हो चुकी है बच्चों, है ना। आस्क, आस्क के आगे ईडी लगा दी तो उसने पूछा, बीती हुई बात है ये। नोटिस द वर्ड्स इन कलर, जो मतलब ये कह रहे हैं जो वर्ड कलर में है उनको नोटिस करो, देखो उनको कौन से वर्ड है, जैसे लाफ्ड आस्क्ड है ना। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी टू एक्शन वर्ड, इनको कैसे बदला गया है, ईडी लगाकर, एक्शन वर्ड को बदल दिया गया है ईडी लगाकर। जैसे लाफ, लाफ पे क्या लगाया, ईडी लगाया तो क्या बन गया, लाफ्ड, हंसना हंसी थी। लाफ मीन्स हंसना, लाफ मीन्स हंसी थी। आस्क मीन्स पूछा, आस्क मीन्स पूछा था। दीज वर्ड्स टेल अस दैट एन एक्शन वर्ड एक्शन हैपन्ड सम टाइम बिफोर नाउ, ये वर्ड हमें ये बताते हैं कि जो एक्शन है वो कुछ समय पहले हो चुका है। जैसे वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, हमने कल क्रिकेट खेला था। आई वॉक टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मैं चलकर सुबह स्कूल गई थी। आई पेंटेड लास्ट संडे, मैंने ये इसको पेंट पिछले संडे किया था। दे कुक्ड फॉर एवरीवन, उन्होंने हर किसी के लिए खाना बनाया। सी एक्सरसाइज, आस्क योर पार्टनर व्हाट शी डिड यस्टरडे, अपने पार्टनर से पूछो कि उसने कल क्या किया था। बच्चों ये हमने यस्टरडे बीती हुई बात पूछनी है, इसलिए क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ईडी लगेगा है ना, जिससे वो बात बीती हुई बन जाए। एक्सरसाइज डी, राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड एडिंग विद ईडी एंडिंग विद ईडी, हमने हमें कुछ एक्शन वर्ड दिए गए हैं, उसके एंड में हमने क्या लगाना है, ईडी लगाना है, अंडर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे। यूज द वर्ड्स गिवन, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट देखो पिक्चर, ये लड़का क्या कर रहा है, ये वॉक कर रहा है ना, चल रहा है, हमें यहाँ पे दिया गया है वॉक, ये रहा वॉक। ये लड़का क्या कर रहा है, बॉय, ये वॉक कर रहा है, ये दिया हुआ है हमें वॉक, हम लिखेंगे वॉक, वॉक के एंड में क्या लगाएंगे, ईडी, तो क्या बन जाएगा, वॉक्ड, डब्ल्यू ए एल के ई डी, वॉक्ड। गर्ल क्या कर रही है, ये प्ले कर रही है, तो प्ले के एंड में क्या लगाएंगे, ईडी, पी एल ए वाई ई डी, क्या बन गया, प्लेड। ये गर्ल क्या कर रही है, ये लाफ कर रही है, लाफ के एंड में लगाएंगे ईडी, लाफ्ड। ये लड़का बॉक्स को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, ओपन्ड। ये लड़की क्या कर रही है बच्चों, ये हैंड वॉश कर रही है, तो हम लिखेंगे वॉश्ड। ये लड़का क्या कर रहा है, ये रस्सी को पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो हम लिखेंगे पुल्ड। यस बच्चों, अब हम करेंगे प्रोनंसिएशन। रीड दिस वर्ड अलाउड, इन वर्ड्स को जोर से बोल के देखेंगे। बेड बेट, हैन पेन,
मैन 10, पेग लेग, बी शी, वी मी, टी सी, बी फी। नेक्स्ट है राइटिंग। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स यू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर और अदर फैमिली मेम्बर्स। बच्चों हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं कि जो भी थिंग्स हमने अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ हम शेयर करते हैं वो हमने इस सेंटेंस में फिल करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट लाइन दी गई है, आई शेयर डैश विद माई फ्रेंड्स, तो मैं शेयर करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ माई टिफिन, माई क्रियॉन्स, जो भी आपको इन दोनों में से अच्छा लगे, जो अभी आप शेयर करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड है आई शेयर माई टॉयज, माई चॉकलेट्स विद माई ब्रदर सिस्टर, मैं अपने ब्रदर सिस्टर के साथ आप क्या शेयर करना चाहोगे, अपनी चॉकलेट या अपनी टॉयज, जो आप शेयर करना चाहते हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। आई शेयर माई बॉल ऑब्लिक बैट विद फ्रेंड्स इन द पार्क, आप पार्क में अपने फ्रेंड के साथ क्या शेयर करते हो, बॉल या बैट, वो आप यहाँ लिख सकते हो। नंबर फोर, आई शेयर माई बुक्स ऑब्लिक शूज विद माई फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर किया है, बुक्स की है या शूज शेयर किए हैं, जो भी किया है वो आप यहाँ लिख सकते हो। आई शेयर डैश अ रूम ऑब्लिक अ हाउस विद माई ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ क्या शेयर करते हो, अपना रूम शेयर करते हो या हाउस शेयर करते हो, वो आप यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्टिविटी, हेल्प द बेबी एलिफेंट रीच इट्स मदर, आपको बेबी एलिफेंट की हेल्प करनी है उसको उसके मदर तक पहुँचने के लिए, ठीक है, तो आप इसकी हेल्प करोगे इस बेबी एलिफेंट की उसकी मदर तक पहुँचने के लिए। तो आपके पास कई सारे रास्ते हैं, कई तो इनमें से आप हेल्प अपने आप यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है, ये एक्टिविटी सभी बच्चे अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है माई वर्ड बैंक, माई वर्ड बैंक इसमें हम लिखेंगे हमने कौन सा नया वर्ड सीखा, रूड, आर यू डी ई, रूड। नेक्स्ट शेयर, एस एच ए आर ई, शेयर। नेक्स्ट सी ए आर आई एन जी, केयरिंग। नेक्स्ट रश्ड, आर यू एस एच ई डी, रश्ड। यस बच्चों, अब हम करेंगे लेसन थ्री के वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। लेसन पहले सबसे पहले लिखेंगे लेसन थ्री, शेयरिंग इज केयरिंग। वर्ड मीनिंग नंबर वन, रश्ड, रश्ड मीन्स जल्दी जल्दी जाना। नंबर सेकंड प्ले, प्ले मीन्स खेलना। नंबर थ्री शेयर, शेयर मीन्स बांटना। नंबर फोर शाउटेड, शाउटेड मीन्स चिल्लाया। नंबर फाइव पीस, पीस मीन्स टुकड़ा। नंबर सिक्स रूड, रूड मीन्स रूखा बोलना। नंबर सेवन नो, नो मीन्स जानना। नंबर एट क्राइड, क्राइड मीन्स चिल्लाया। उसकी बात करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द चिल्ड्रन रश आउट टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए कब बाहर आए। आंसर है द चिल्ड्रन रश्ड आउट टू प्ले एट द ब्रेक टाइम, बच्चे रिसेस में खेलने के लिए बाहर आए, ब्रेक टाइम में खेलने के लिए बाहर आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वॉज आन्या प्लेइंग विथ, आन्या किसके साथ खेल रही थी। आंसर है आन्या वॉज प्लेइंग विद हर डोल, आन्या अपनी डोल के साथ खेल रही थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डिड आन्या आस्क पिया टू गो अवे, आन्या ने पिया को क्यों कहा कि यहाँ से चली जाओ। आंसर है आन्या आस्क पिया टू गो अवे बिकॉज, आन्या ने इसलिए कहा पिया को क्योंकि यहाँ से चली जाओ, क्योंकि पिया वॉन्टेड टू प्ले, क्योंकि पिया चाहती थी खेलना। विथ आन्याज डोल, आन्या की डोल के साथ खेलना चाहती थी। एंड आन्या डिड नॉट लाइक टू शेयर हर थिंग्स, और आन्या को अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं था।
क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट हैपेंड टू आन्यास केक ऑन राहुल्स बर्थडे। आन्या के केक के साथ क्या हुआ राहुल के बर्थडे पर, राहुल के बर्थडे पर आन्या के केक के साथ क्या हुआ। आंसर है आन्यास केक फेल ऑन द फ्लोर, आन्या का केक फर्श पर गिर गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डिड पिया शेयर विद आन्या। आंसर है पिया शेयर्ड हर पीस ऑफ केक विद आन्या। क्वेश्चन था कि पिया ने आन्या के साथ क्या शेयर किया, पिया ने आन्या के साथ अपना केक का टुकड़ा शेयर किया। थैंक यू।